वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज मी दीपिका श्रीवास्तव एंड यू आर वॉचिंग यूनिकॉर्न डिवाइन टू गज इन टूडेज वीडियो आई एम गोट टू टेल यू अबाउट सरोजी नगर मार्केट बट बिफोर दैट आई वॉन्टेड टू मैंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट दिस वीडियो इज नॉट अ रिसेंट वीडियो मैं वहाँ पे न्यू ईयर के पहले गई थी लाइक ट्वेंटी फिफ्थ के बाद गई थी दिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ तो ये वीडियो रिसेंट की बिल्कुल भी नहीं है आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप बाहर जाके शॉपिंग करो और अभी सरोजी नगर मार्केट आई गेस बंद भी है काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के एज़ यू ऑल ऑलरेडी नो एंड तो इसी आप अभी बाहर जा के शॉपिंग नहीं करना और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बाहर आप मत जाओ बट मैंने ये शूट किया हुआ था सो आई थाट कि मुझे ये डालना चाहिए और जो भी वहाँ के कलेक्शंस थे वो आप लोगों को दिखाना चाहिए सो so दैट अगर मार्केट खुलता है आगे चल के और ये सारे कलेक्शंस रहते हैं तो आप वहाँ पे जाके शॉप कर सकते हो और आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें मिल रही सरोजी नगर में इस टाइम पे और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे न्यू कलेक्शन आया हुआ है सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट डाइव टू द वीडियो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं वो है मेकअप का सो so, सरोजी नगर में मेकअप की हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी हर एक स्टेप जो भी मेकअप में होता है सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं बट आई वॉन्टेड टू मैंशन यर कि वो सारे ही डुप्लीकेट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं लाइक like, आपको वहाँ पर हुडा ब्यूटी मैक और काफ़ी अलग अलग और हाई एंड ब्रांड के डुप्लीकेट्स देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लाइक like, अच्छे होते हैं जो डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं काफ़ी लो बजट में आपको मिल मिल जाएगा तो वो आप ट्राई कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली वहाँ पे जितने भी ड्यूब्स होते हैं वो आप मत परचेज करके ट्राई करना क्योंकि वो आ, मुझे क्वालिटी वाइज काफ़ी चीप लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ के लोकल ब्रांड्स होते हैं वो ट्राई करना ज़्यादा सेफ़ रहता है लाइक like एस हो गया ये जितने भी पैलेट्स होते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जितने भी आई शेडो पैलेट्स होते हैं और आ, जितने भी फेस पैलेट्स होते हैं जो कि पाउडरी बेस्ड होते हैं अदर देन दैट आपको वहाँ पे मेकअप टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे चाहे मेकअप ब्रशेस की बात कर लो या आई लैश कर्लर्स की बात कर लो और ब्यूटी ब्लेंडर्स भी होते हैं वहाँ पे और वहाँ पे फ़ेक लैशेस भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं मैंने इनफैक्ट वहाँ पे दो तरीके के फ़ेक लैशेस देखे हुए हैं एक थोड़ी सी उसकी क्वालिटी मुझे प्लास्टिक ही लगी और एक काफ़ी अच्छा था तो वो आप ट्राई कर सकते हो और अगर आपको जानना है कि वहाँ पर कैसे प्रोडक्ट्स रहते हैं और उनका रिव्यू अगर आपको जानना है तो मैंने उस पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा प्लस आप मेरे मेरे प्रोफाइल पे जा करके उसका वो भी देख सकते हो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपको उसमें हर एक हॉल दिख जाएगा और जो भी मैंने ट्राई ऑन हॉल किया है मैंने सरोजी नगर के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज़ करके उनको ट्राई करके उनका रिव्यू किया है कि मुझे कैसा लगा कौन सा मुझे अच्छा लगा और कौन सा मुझे बहुत ही बेकार लगा तो आप वो चेक कर सकते हो बिफ़ोर बाइंग तो गाइज़ नेक्स्ट स्टेप इस बार मुझे सरोजी नगर में फ़ोन केसेस के इतने सारे वैरायटी देखने को मिल रहे थे और इतने ज़्यादा प्रटी थे और इनफैक्ट सरोजी नगर में आपको फ़ोन केसेस काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी न्यू ट्रेंडी मिल ही जाएंगे हर बार उनमें भी काफ़ी अलग अलग लाइक वैराइटी होती है एक थोड़ा सा कम रेंज में होता है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी लाइक हल्की होती है बट हाँ वो काम चल जाता है और एक थोड़ा सा सुप्रीम क्वालिटी में होता है मैंने भी काफ़ी सारे वहाँ से परचेज़ करके उनको ट्राई किया था काफ़ी अच्छे होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और आगे आपके ऊपर होता है कि आपको अगर थोड़ा सा रबरी टच में चाहिए जो रबड़ का बना होता है वो आप ले सकते हो और एक थोड़ा सा लाइक हार्ड प्लास्टिक शीट टाइप का होता है वो भी आप ट्राई कर सकते हो प्लस वहाँ पर ट्रेंडी भी काफ़ी अलग अलग होते हैं तो वहाँ के जितने भी फ़ोन केसेस हैं वो वन से लेकर के टू फिफ्टी आ, तक चले जाते हैं तो आप वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हो वो अगर आपको परचेज करना है और इनफैक्ट मुझे वहाँ पर हर एक फ़ोन के फ़ोन केसेस देखने को मिल गए थे तो ये एक प्लस पॉइंट है ऐसा नहीं है कि लिमिटेड आपको मिलेगा आपको काफ़ी ज्यादा वेराइटी और काफी ज्यादा चॉइसेस मिल जाएंगे तो गाइज़ एज यू ऑल ऑलरेडी वॉचिंग नेक्स्ट टॉपिक है सरोजी नगर के बैग्स तो वहाँ पे सरोजी नगर में आपको काफ़ी अलग अलग और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट साइजेज़ में आपको पर्स मिल जाएंगे बैग्स मिल जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा बैक पैक टाइप का चाहिए तो वो भी वहाँ पे काफ़ी अलग अलग साइज़ में और अलग अलग क्वालिटी में मिल जाएंगे प्लस वहाँ पे जितने भी हैंड बैग्स होते हैं वो क्लचेज़ होते हैं वॉलेट होते हैं वो भी काफ़ी अलग अलग थे तो हैंड बैग्स की अगर बात करें तो मुझे स्पेशली सरोजी नगर से ज़्यादा अच्छे अच्छे हैंड बैग्स लाजपत नगर में लगते हैं मैंने वहाँ पे जाकर चेकआउट किया था मैंने लाजपत नगर का भी काफ़ी सारा वीडियो बनाया तो अगर आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो तो मुझे लाजपत नगर में बैग्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी ऑल दो सरोजनी नगर में काफ़ी अच्छे, अच्छे अच्छे आपको बैग्स मिल जाएंगे और अगर आप वहाँ पर चेक करोगे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको थोड़े अच्छे से चेक करना पड़ेगा तब आपको अच्छी क्वालिटी में और अच्छे रेंज में मिल जाएगा जितने भी ट्रेंडी बैग्स होते हैं वो सारे ही आपको सरोजनी नगर लाजपत नगर दोनों में मिल जाएंगे तो सरोज नगर में इस बार मुझे काउ प्रिंट का स्नेक प्रिंट का काफ़ी अलग अलग जो ट्रेंडी आजकल है वो पर्सेज देखने को मिल रहे थे साइजेस भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो अगर आपको स्मॉल पर्स परचेज़ करना है तो आप वो परचेज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा स्पेशियस चाहिए तो वो आप वहाँ पर उनसे बोल के निकलवा सकते हो अगर उनके वॉल पे नहीं लगा होता है तो वो अंदर अपने स्टोर रूम से निकालते हैं तो एक बार ही आप पूछ लेना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो भी चाहिए होगा तो आप उनको बता के मंगवा सक So guys, moving forward. टॉक अबाउट सरोजी नगर के क्लोथिंग आइटम्स बट उससे पहले मैं एक चीज़ मैंशन करना चाहती हूँ दैट कि मैं जब लास्ट टाइम सरोजी नगर गई थी तो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की हुई थी इनफैक्ट मैंने इतना शॉपिंग किया था कि मुझे दो हॉल वीडियो बनाने पड़ गए और मैंने उसमें सबसे ज़्यादा जूलरी सेक्शन में शॉपिंग की थी इस बारी सरोजी नगर से तो अगर आपको जानना है कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया और क्या क्या परचेज किया है सरोजी नगर के ट्वेंटी ट्वेंटी टू के न्यू कलेक्शंस में से सो स्टेट फॉर दैट उसकी भी वीडियो आने वाली है दो वीडियो हॉल वीडियो सरोजी नगर की तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाला है मैं मेकअप से रिलेटेड फैशन से रिलेटेड ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ डालती रहती हूँ प्लस मेरा व्लॉग का सीरीज़ आने वाला है जो कि ट्रैवल व्लॉग था बट वो मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी दिसंबर में गई थी 2021 में तो उसका भी वीडियो आने वाला है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और स्टेट यून रह सकते हो जब भी मैं वीडियो डालूँ सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट नगर के क्लोदिंग आइटम्स तो गाइज़ अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो तो यू नो कि मुझे सरोजी नगर में स्पेशली जो भी वहाँ के राउंड स्टॉल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे और अभी भी आते हैं क्योंकि वहाँ पे इतने अफोर्डेबल रेंज में इतने सारे लाइक ट्रेंडी पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे बट उसमें एक चीज़ रहता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पीसेस सेलेक्ट करना होता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक नाइन्टी चांसेस होते हैं कि उसमें डिफेक्टिव और यूज़ कपड़े लगे होते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हो या आप कौन सा चूज़ करके तब परचेज करते हो काफ़ी उसमें धांधली होती रहती है तो आपके ऊपर है कि आप परचेस करते टाइम थोड़ा सा चेक कर लो उसके बाद परचेज़ करो अदर देन दैट आप जब घर ले करके आओगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो डिफ़ेक्टिव निकला और फिर आप वहाँ पर जा के रिटर्न या रिप्लेस नहीं कर सकते हो ये पॉलिसी नहीं है वहाँ पर जितने भी स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं जैसे राउंड स्टॉल्स हो गए या जो वहाँ पर बिछा करके रखे जाते हैं स्पेशली वहाँ पे ऐसे कोई रिटर्न और रिफंड की पॉलिसीज नहीं होती हैं सो स्टे अवेयर कि जब भी आप परचेज करो ये चीज जरूर ध्यान रखना सो so वहां पे आपको फिफ्टी रुपीज से लेकर के टू हंड्रेड तक टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड तक में स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे लाइक like फिफ्टी रुपीज हंड्रेड रुपीज वन फिफ्टी टू हंड्रेड टू फिफ्टी इस्पेशली ये कैटेगरी में आपको ज्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी सो so विंटर्स में वहां पर इतने सारे लाइक अट्रैक्टिव पीसेस होते हैं और इतने कम रेंज में विंटर के कपड़े मिलना इज लाइक जैम तो वहां पर मुझे काफ़ी ज्यादा लाइक लॉन्ग कोट्स जैकेट्स, ओवर कोट्स देखने को मिल रहे थे जो कि 200 से लेकर के लाइक हंड्रेड रुपीज वाले में भी थे 50 वाले में भी थे बट मुझे 200 वाले में ज्यादा लाइक थोड़ा सा क्वालिटी और आई कैचिंग वहाँ पे कपड़े ज्यादा देखने को मिल रहे थे वुलन अदर एन दैट गाइज अगर आपको वुलन लाइक घर में पहनने वाले कपड़े चाहिए या थोड़ा सा टॉप मटेरियल चाहिए ज़्यादा मोटा या ज़्यादा एकदम लाइक हैवी वाला नहीं तो भी आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा जितने राउंड स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग स्टॉल में उन्होंने लगाए होते हैं लाइक कोई स्टॉल है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको वुलन टॉप देखने को मिल जाएगा कोई स्टॉल है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको ओवर कोट्स जैकेट्स देखने को मिल जाएंगे तो वो वहाँ पे आपको जाके डिग इन करना पड़ेगा बॉटम वेयर के लिए अलग स्टॉल होता है अपर वेयर के लिए अलग स्टॉल होता है तो वो आपके ऊपर है कि आपको अपने हिसाब से क्या चूज़ करना है क्या परचेज करना है वो आपको वहाँ पर जाके चेकआउट करना ही पड़ेगा ऐसे स्टॉल्स के कोई लाइक परमानेंट प्लेस नहीं होता है आपको वहाँ पर जाके चेकआउट करना पड़ेगा इनके कोई नंबर्स नहीं होते हैं गाइज इन सब के अलावा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी इस बार सरोजी नगर में वो थे वहाँ के नाइट सूट्स ओ माय गॉड इतने ज़्यादा प्रटी और इतने ज़्यादा आई कैचिंग वहाँ के कलेक्शन थे इनफैक्ट पिछली बार भी मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए थे मैंने अपने वन ऑफ़ माई वीडियोज़ में मैंशन uh, भी किया था कि मुझे वहाँ के नाइट सूट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और मुझे परचेज़ करना है बट ड्यू टू सम रीज़न मैंने पिछली बार परचेज़ नहीं किया था तो इस बार मैंने ज़रूर परचेज़ किया है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट और काफ़ी ज़्यादा लाइक लाइक डेली यूज पे पहनने वाला है जो कि आपको मेरे हॉल वीडियो में देखने को मिलेगा स्टेट यून फॉर दैट तो लास्टली लेट जस्ट टॉक अबाउट नगर के ज्वेलरी कलेक्शन बट इस बारी मैं ट्रिपिकल जो सरोजी नगर का ज्वेलरी सेक्शन है उनके बारे में नहीं बात करने वाली हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपरली उन पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं आप वो चेकआउट कर सकते हो प्लस आगे भी वीडियोज़ आने वाली हैं बट मुझे इस बारी वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइक like, डेंटी पीसेज कलेक्शन देखने को मिल रहा था जहाँ पे अलग से उन्होंने हर एक पैकेट में लगाया हुआ था रिंग्स भी थी उनमें पेंडेंट्स भी थे ईयर भी थी और काफ़ी अलग अलग प्राइजेस थी उनकी और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट लग रही थी थी, तो आप वहां पे जाके ये भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा हैवी या ज्यादा लाइक स्टेटमेंट पीस पहनना नहीं पसंद है तो आप ये सब भी ट्राई कर सकते हो सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद